प्रोफेशनल लाइबिलिटी दो तरह की होती है स्टेचरी कॉमन लॉ सिविल क्रिमिनल इन स्टैचरी कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड लॉ ऑफ टॉट इन कॉमन लॉ और लॉ ऑफ टॉट लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी हमने कवर किया प्रीवियस लेक्चर में तीन कंडीशन की सूरत में लाइबिलिटी हमारी थर्ड पार्टी की तरफ बनेगी ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड फाइनेंशियल लॉस अकर्ड एज ए डायरेक्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी और हमने कुछ चार मेथड्स कवर कर लिए फॉर लिमिटिंग लाइबिलिटी और हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ सेल सिस्टम परचेज सिस्टम की बातें की कि उनको ऑडिट कैसे करना है अक्रंस को वेरीफाई करने के लिए हमने बैकवर्ड मैचिंग करनी है लेजर से बैकवर्ड कंप्लीटनेस के लिए हमें फॉरवर्ड मैचिंग करनी है स्टार्ट डॉक्यूमेंट से टूवर्ड्स लेजर और कट ऑफ के लिए नोट से फॉरवर्ड मैचिंग चैप्टर फाइव नोट्स में अगर आप लोग आए चैप्टर फाइव नोट्स तो एक क्वेश्चन हमें मिलेगा चैप्टर फाइव नोट्स में अगर हम आए क्वेश्चन नंबर एट हमें मिलेगा ऑन पेज फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एट मिलता ऐसा कोई क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की पार्ट ए फॉर 15 मार्क्स एंड पार्ट बी फॉर 10 मार्क्स पार्ट ए ऑफ़ द क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स कमेंट ऑन वेदर द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स एंड वर कंक्लूजन एडिकुएट आपको कमेंटिंग करनी है कि ऊपर जो ऑडिटर के प्रोसीजर्स या कंक्लूजन दिए गए हैं वो एडिक्यूट एडिक्युएट का मतलब क्या होता है प्रॉपर हैं या नहीं है प्रॉपर है या नहीं है तो ऊपर कुछ हमें वन टू थ्री फोर स्नारियोज दिए गए हैं तो बारी बारी एक एक को रीड करके हमने देखना है कि ऑडिटर का काम ठीक था या नहीं था सो डोमेस्टिक ऑपरेट आ चेन ऑफ ब्रांचेस सेलिंग आ रेंज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट टू द ट्रेड एंड फॉर कैश डायरेक्टली टू द पब्लिक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो दैट प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग इन द लास्ट थ्री ईयर्स And the latest profit for the year ended 31st December 20x1 were $550,000. Based on these latest accounts, an investor has acquired a controlling interest in the company for a sum agreed at three times the audited pre-tax profits and in the year ended 31st December 20x1. प्रॉफिट की बेस पर एक इन्वेस्टर ने प्रॉफिट का थ्री टाइम दे के कंपनी को एक्वायर किया द इनवेस्टर सर्विस एंड दर्किंग पेपर बिकॉज ही बिलीव दैट द प्रॉफिट फॉर दैट ईयर वर डेलीबरेटली इनफ्लेटेड एंड द ऑडिटर्स आर नेग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग दे वर्क इन्वेस्टर समझता है कि शायद कंपनी का प्रॉफिट ओवर था और ऑडिटर ने भी अपना काम प्रॉपर्ली नहीं परफॉर्म किया था तो हमें कहा गया है कि आप क्या करें इसको इन्वेस्टिगेट करके दें कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ऑडिटर का, का काम ठीक था या नहीं था कहाँ चेक होगा वर्किंग पेपर से क्या ख्याल है सो द ऑडिटर हैव एग्री टू अलाउ आर रिव्यू ऑफ द ऑडिट फाइल एंड यू हैव नोटेड द फॉलोइंग और ऑडिटर ने अपने वर्किंग पेपर का रिव्यू हमें अलाउ कर दिया और वहां से पॉइंट वन टू थ्री फोर हमें कोई चार डिफरेंट स्नारियोज दिए गए छोटे छोटे जहाँ से हमने कंक्लूड करना है कि ऑडिटर का काम ठीक था या नहीं था तो नंबर वन को जरा रीड करके देखेंगे ऑडिटर का काम ठीक था या नहीं था नहीं था तो कैसे नहीं था ठीक है ठीक है ए क्या ऑडिटर का काम ठीक है या गलत है ठीक है ठीक है कोई इशू नहीं है सैंपलिंग तो सैम्पल बेस भी ऑडिटर का काम चेक करता है हंड्रेड परसेंट टेस्टिंग तो हम करते है नहीं जी मौलाना इशू है इसमें क्या इशू है इसमें पार्ट वन में हम्म तो क्या करना चाहिए था उसे, उसे फर्क क्या पड़ा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज प्रॉफिट ओवर स्टेटमेंट शो कर रहा है क्योंकि मेनली तो प्रॉफिट को चेक करने के लिए मैं असाइनमेंट दी गई ना सो so, क्या कहता है रिव्यू ऑफ ऑल परचेज इन रिसीव्ड इन द टेन डेज बिफोर थर्टी फर्स्ट दिसंबर हैड बीन कैरिड आउट थर्टी फर्स्ट दिसंबर एंड है तो उसने लास्ट टेन डेज ऑफ करंट पीरियड की क्या की है इनवाइस ली है दिस मीन वो परचेज का कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं क्या ख्याल है ट्वेंटी ऑफ दीज द गुड रिसीव्ड नोट टू इंश्योर दैट द गु हैड इन फैक्ट बीन रिसीव्ड एंड टू देबल लेजर टू इंश्योर दैट दे है प्रॉपर्ली सेटअप एज लाइबिलिटी तो क्या किया उसने परचेज इन्वाइसिस का एक सैम्पल लिया लास्ट टेन डेज वाली में से ट्वेंटी को उसने चेक किया कि उसके पीछे जो है वो जी आर एनज भी हैं और आगे उसने देखा जी के डे बुक के बाद पेबल लेजर्स में एंट्रीज भी हैं ठीक हो गया नो एरर द ऑडिटर कंक्लूडेड दैट ऑल लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड फॉर कोई एरर नहीं मिला तो उसने कंक्लूड किया कि सारी की सारी लाइबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्डेड हैं। क्या ठीक है हमने बात की थी कि, कि कट ऑफ टेस्ट जो हमने परफॉर्म करना है वो हमने सैंपल कहां से लेना है जी आर एन से सैंपल लेके उनको मैच करना है इनवाइसिस के साथ फिर हमने लेजर में जाना है परचेजेस पेबल दोनों में उसने सैंपल लिया है परचेज इनवाइसी से बीस का सैंपल लिया उन बीस को उसने पीछे मैच किया पीछे जी आर भी मिल गए उन बीस को आगे मैच किया पेबल लेजर में एंट्रीज भी मिल गई उसने कहा सब कुछ कंप्लीटली रिकॉर्डेड है कंप्लीटर के लिए फॉरवर्ड मैचिंग होती है या बैकवर्ड मैचिंग अब सपोज सपोज कंपनी के अंदर जो है वो थर्टी जी आर एंस थे बीस इनवाइसिस थी और बीस ही आगे एंट्रीज हैं तो अगर आपने यहाँ से सैंपल लिया बीस का उनको पीछे मैच किया मैच हो गई आगे मैच के आगे भी मैच हो गई क्या परचेजेस पेबल कंप्लीटली रिकॉर्डेड है वो दस बीच में मिसिंग क्या आइडेंटिफाई हुए सैंपल कहाँ से लेना चाहिए था उसको जी आर एम में से लेना चाहिए था उनको मैच करना चाहिए था इन्वाइसिस के साथ और आगे लेजर्स के साथ फिर इंश्योर होना था कि कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं है। परचेजेस एंड पेबल्स कुड भी अंडरस्टेटेड एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड क्या ख्याल है जो चीज़ हम मेनली पकड़ने जा रहे हैं हु?

हुँ? दो तीन लाइनों में आंसर दिया जा सकता है इसका एंड पे कंक्लूड करना है हैंस परचेजेस पेबल्स कुड़ बी अंडरस्टेटेड आर नहीं कुड़ बी एंड प्रॉफिट ओवरस्टेटेड नंबर टू को जरा रीड करके देखेंगे ऑडिटर के काम में कोई गलती हो क्वेश्चन नंबर एट पेज फोर्टी फाइव पार्ट्स टू ये जो लोग लेट आते हैं क्लास में नेक्स्ट टाइम प्लीज़ साथ एक गाना ले कर आएँ ताकि मैं यहीं से गेट से ही आपको उड़ा के बाहर फेंक दूँ क्योंकि दिल मेरा यही कर रहा था नंबर वन में नंबर टू में नंबर टू में तो ठीक है वो उसने वो इसलिए लिया डिस्पैच नोट इनवाइसिस का इकट्ठा लिया दिस मीन डिस्पैच नोट से ही नीचे चल रहा है वो मैंने तो उसने ये नहीं कहा कि बैकवर्ड मैचिंग कर रहा है नहीं वो फॉरवर्ड मैचिंग ही कर रहा है दोनों को मिला के आगे चल रहा है जो डिस्पैच नोट का सैंपल लिया उसकी रेलिवेंट इन्वाइसिस ली और आगे चेकिंग की इधर वो इशू नहीं है इधर इशू कोई और है हाँ मटीरियालिटी का इशू है यहां पे वन परसेंट आर मोर ऑफ रेवेन्यू मटीरियल होता है हाई रिस्क क्लाइंट हो तो पॉइंट फाइव परसेंट आर मोर ऑफ रेवेन्यू मटीरियल होता है सुबह so, क्या सैम्पल ऑफ ट्वेंटी सेल इनवाइसिस एंड डिस्पैच बीन है फॉर द लास्ट टेन डेज ऑफ दिसंबर टू एस्टेब्लिश दैट देन डील्ड विद इन द राइट पीरियड अब सेल्स का कट ऑफ टेस्टिंग हो रही है ठीक हो गया और क्या किया उसने करंट पीरियड के लास्ट टेन डेज की डिस्पैच नोट और इनवाइसिस को मैच करके आगे ट्रेसिंग की जा रही है कहाँ पे लेजर में देखा जा रहा है कि करेक्ट पीरियड में रिकॉर्डिंग है या नहीं है द ऑडिटर हैड फाउंड वन डिस्पैच नोट वॉज डेटेड जनवरी ट्वेंटी एक्स टू करंट ईयर की सेल में एक डिस्पैच नोट जनवरी वाला रिकॉर्ड किया गया है जनवरी में होना चाहिए ना वो रिकॉर्ड मैनेजमेंट avoid the additional VAT imposed by the government's budget which came into force day the day द delivery took place. नहीं बेशक आपको पैसे भी दिसंबर में मिल गए हैं डिलीवरी अगर जनवरी में गई है और इसके रिवॉर्ड जनवरी में ट्रांसफर हुए हैं तो सेल भी जनवरी की बनती है क्या है एक्सप्लेनेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल सो द ऑडिटर कंक्लूडेड दैट द एरर वाज नॉट मटेरियल एंड दैट सेल फॉर सो कितनी ट्वेंटी नाइसिस थी उनमें से एक डिस्पैच नोट मीन ट्वेंटी डिस्पैच नोट में से एक जो है वो नेक्स्ट ईयर का है तो वन आउट ऑफ ट्वेंटी कितने परसेंट बना फाइव परसेंट क्यों जो सैंपल का रिजल्ट है वही हम पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं वन आउट ऑफ ट्वेंटी क्या आप शो कर रहा है फाइव परसेंट दिस मीन फाइव परसेंट जो हैं वो रॉन्गली रिकॉर्डेड है क्या ख्याल है और ऑडिटर कह रहा है कि ये क्या है इम मटीरियल है इसलिए इग्नोर किया जा सकता है सब कुछ करेक्टली रिकॉर्डेड है नो no. दिस इज मटीरियल्स सेल्स एंड प्रॉफिट कुड भी ओवर स्टेटेड तो मेनली हम चेक कर रहे हैं क्या ख्याल है लिखा तीन चार पॉइंट में आंसर इसका नंबर थ्री को रीड करके देखेंगे इसमें अगर कोई इशू है तो नंबर थ्री में क्या इशू है सर्कुलराइजेशन सर्कुलराइजेशन क्या बोलते हैं डेटर कंफर्मेशन सो सर्कुलराइजेशन ऑफ थर्टी रिसीवेबल अकाउंट हैड बीन कैरीड आउट बाय द ऑडिटर एट द ईयर एंड तीस डेटर को हमने कंफर्मेशन सेंड की Only five customers had replied. assume confirmation So only five customer had replied. Four of whom agreed the amount due to Domestica exactly, and one who, while agreeing the amount, stated that the goods had been bought on sale or return. and that it had not been decided at the time of confirmation request had been received whether to retain the goods or not। तो एक कहता है जी कि गुड्स जो हैं वो सेल आर रिटर्न बेसिस वाली हैं और अभी तक सेल की कंफर्मेशन रिसीव नहीं हुई तो क्या ये सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए नहीं दिस मीन वन आउट ऑफ फाइव कितना बना 20% जो है वो सेल सेल रिटर्न बेसिस वाली है क्या खैर अभी तक फॉर्मर्स ऑब्लिगेशन अराइज नहीं हुई तो सेल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए सो अल्टरनेटिव टेस्ट टू इंश्योर दैट डिलीवरी नोट्स एंड नोट डेटेड प्रायर टू द ईयर एंड एक्जिस्ट टू सपोर्ट द रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव बैल्सीज हैड आउट विदिस्फैक्ट्री रिजल्ट हम हाँ वो जो बाकी ट्वेंटी फाइव ने रिप्लाई नहीं दिए उनको हमने अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई कर लिया अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या है अकड़ा सोफ सेल जैसे वेरीफ़ाई करते हैं वैसे ही अक्रह सौ ऑफ रिसिवेबल भी वेरीफाई हो जाती है कि पीछे इनवाइस डिस्पैच नोट पी आई आर एंट्रीज और ऑर्डर है तो दिस मीन ये रिसीवेबल ठीक था या इयर एंड के बाद हम देख लेते हैं कि उससे कैश रिसीव हुआ है तो दिस मीन ये रिसीवेबल ठीक था तो ट्वेंटी फाइव अल्टरटी टेस्ट के थ्रू वेरीफ़ाई हो गए जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था बाकी जो रिप्लाई मिले वो कितने के मिले पाँच

मिस्टर तो कह रहे जी चूंकि कंपनी के कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं तो इसलिए हम कहते हैं जी कि सेल ठीक है नहीं कंट्रोल्स बेशक अच्छे हैं लेकिन ये चीज़ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली चलनी है सेल रिकॉर्ड होगी जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन राइज होगी और सेल आर रिटर्न बेसिस वाली को आप सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक सेल की कंफर्मेशन नहीं आ जाती तो दिस मीन सेल एंड प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड तो तीनों में प्रॉफिट ओवर स्टेट ओवर स्थेट नज़र आ रहा है चौथे को भी ज़रा रीड करेंगे हो सकता है कोई एक बात ठीक भी हो जरूरी तो नहीं सारी चीज़ें गलत निकलेंगी जी कोई इशू नज़र आया ये क्रिसमस कब होता है क्रिसमस कब होता है ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर को क्या होती है ईद होती है ना क्या ख्याल है ईद होती है ना क्रिश्चियंस की हमारी भी ईद होती है हमें ईद पे कितनी छुट्टियाँ होती हैं मैक्सिमम तीन इससे ज़्यादा तो नहीं होती चलो चार कर लो बीच में अगर संडे भी आ गया तो क्या ख्याल है तस्वीर हमें तीन या चार छुट्टियाँ होती हैं तो ये ईद पे बैंक कितने दिन बंद होते हैं इतने दिन तीन या चार दिन क्या ख्याल है और ये जो ग्रॉसरी स्टोर होते हैं क्या ये ईद पे बंद होते हैं होंगे भी तो बड़ी मुश्किल से एक आधे दिन के लिए ऐसी बात है क्या ख्याल है और ये ग्रॉसरी स्टोर जो हैं इनकी ईद पे सेल ज़्यादा होती, होती है कम होती है बहुत ज़्यादा होती है क्यों लोगों ने घर बैठना होता है घर बैठ के खाबे खाना होते हैं तो ग्रॉसरी आइटम्स उनको चाहिए क्या ख्याल है और ये कंपनी भी क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेल कर रही है ग्रोसरी स्टोर है क्या ख्याल अब हुआ क्या नो कैश काउंट हैड बीन कैरीड आउट बाय द ऑडिटर क्योंकि हमें ईयर एंड पे करना चाहिए कैश को वेरीफाई करने के लिए कि नहीं किया गया बट इन वेरीफाइंग द बैंक बैलेंसिस बैंसिस नोटिट दैट एन आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर रिप्रेजेंटिंग कैश सेल इन क्रिसमस वीक हैड बीन लॉस्ड विद द बैंक ऑन सिक्स जनवरी छ जनवरी को बैंक में एक अमाउंट गई है जो वो कह रहे जी कि ये हमारी क्रिसमस वीक की सेल थी क्रिसमस वीक की सेल थी 25 दिसंबर को अगर क्रिसमस था तो मैक्सिमम सताईस तक 28 तक बैंक खुल गए होंगे इतनी लेट बीन को सात आठ नौ दिन का बीच में फिर भी गैप आ जाता है और ये जो क्रिसमस वीक होता है ना ये बड़े बिजी डेज होते हैं ऐसे स्टोर्स ग्रॉसरी स्टोर्स के जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश जो है वो जनरेट हो रहा होता है और डेली बेसिस पे बैंकिंग करना ज़रूरी होती है क्यों अदरवाइज कैश चोरी होने का खर्चा होता है और ये कह रहे हैं जी कि क्रिसमस वीक वाली हमारी सेल जो है वो सिक्स जनवरी को बैंक में गई है

the auditor concluded that the cut off procedure for cash sales were properly carried out kya theek hai iska kaam aapko kya dekhna chahiye tha ki agar to 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जो कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में उसमें अगर तो कोई जनवरी की सेल से रिलेटेड कैश डिपॉजिट हुआ है, तो फिर ये 6 जनवरी वाली अमाउंट दिसंबर की कभी भी नहीं हो सकती क्या कह रहा अगर तो फर्स्ट से सिक्स जनवरी तक कोई कैश डिपॉजिट जो बैंक में हुआ है वो जनवरी की सेल से रिलेटेड है तो ये सिक्स जनवरी वाली सेल भी जनवरी की है ये दिसंबर की नहीं हो सकती और वैसे भी इतने दिन बैंक बंद रहता ही नहीं है क्या आप एक वीक बाद जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाओ नहीं वैसे भी बिज़ी एरियाज़ है बिजी डेज़ हैं वहाँ पे तो डेली बेसिस पे बैंकिंग होनी चाहिए सो so, चांसेस हो सकते हैं ये जो 25000 की अमाउंट बैंक में गई है 6 जनवरी को ये सेल रिलेटिंग टू जनवरी है रादर देन दिसंबर और ऑडिटर ने क्या ये चीज चेक की है नहीं सो ऑडिटर प्रोसीजर्स वर इन एडिक्वेट हेंस सेल्स एंड प्रॉफिट कुड बी ओवरस्टेटेड टेक केयर कि उसने प्रॉपर काम किया ही नहीं उसने चेकिंग की ही नहीं ये वन से सिक्स जनवरी तक उसे चेकिंग करनी चाहिए थी कि अगर इधर कोई सेल बैंक में गई है और जनवरी सेटेड गई है चलो फिर तो माना ये नहीं जनवरी सेटेड गई है तो फिर तो ये जनवरी की है हाँ अगर यहाँ पे कोई जनवरी सेटेड सेल एंटर नहीं हुई तो फिर माना जा सकता है कि दिसंबर की है लेकिन उसने ये चीज़ ट्रेसिंग चेकिंग की ही नहीं उसने मैनेजिंग डायरेक्टर की बातों पर इतबार कर लिया हैंस सेल प्रॉफिट कुड बी ओवर स्टेटेड So, चारों मैटर से हमें पता चला जी कि सेल सॉरी प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है पहले में परचेज अंडर स्टेटेड सेल ओवर स्टेटेड और बाकी तीनों वालों नीचे में हमें पता चला जी कि सेल और प्रॉफिट दोनों ओवर स्टेटेड है दिस मीन ऑडिटर का वर्क नेग्लिजेंट था था पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर टेन मार्क्स प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स एडवाइजिंग योर क्लाइंट वेदर ही शुड परस्यू एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस ब्रीफिंग नोट लिखने है जिसमें आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि वो ऑडिटर के अगेंस्ट नेग्लिजेंट का क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है हाँ? ये इन्वेस्टर थर्ड पार्टी है या शेयर होल्डर है ऑडिट हाँ? रिपोर्ट साइन कर जब हमने की तब ये इन्वेस्टर क्या था थर्ड पार्टी या फिर शेयर होल्डर थर्ड पार्टी की उसने तो बाद में कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है ना तो बीइंग अ थर्ड पार्टी इसकी तरफ ऑडिटर की लाइबिलिटी बनती है जब तीन कंडीशन मीट होंगी yes, क्या कहला है नंबर वन ड्यूटी ऑफ केयर वॉज हेडिंग दे के थोड़ा सा डिफाइन करो इसका मतलब क्या है कि बिफोर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर मस्ट हैव बीन है विच इज़ नॉट क्लियर फ्राम दिस केस एक दो रेफरेंस दे दो इन कपारो केस दिस कंडीशन वॉज नॉट मैट एंड ऑडिटर वॉज इनोसेंट इन ए डी टी वर्स बिन्डर ऑडिटर वॉज मेक लाइबल ड्यू टू मीटिंग दिस कंडीशन दो केस के रेफरेंस भी दे दो बीच में क्या क्या बाकी बनते ही नहीं क्यों ये ना तो लीगल बॉडी ना कोई क्लोज स्टेक होल्डर में होता है उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या मीट होनी चाहिए

लेकिन अगर उसकी अपनी किसी रीजन की वजह से हुआ है तो फिर ऑडिटर लाइबल नहीं होगा लाइक अगर ऑडिटर ने कोर्ट में यह चीज प्रूव कर दी कि इसने कंपनी को एक्वायर करना था टू गेन एनी कंपेक्टिव एडवांटेज तो फिर प्रॉफिट जितना मर्जी होता उसने तो नहीं करना था तो फिर ऑडिटर लाइबल नहीं होगा हाँ अगर ऑडिटर लाइबल होगा भी तो कंट्रीब्यूटरी लाइबल होगा फुल नहीं क्यों अबव इंपैक्ट अगर हम देखें तो इतना ह्यूज प्रॉफिट पे नहीं पड़ रहा क्या कह है वो चारों मिस्टेक ऊपर वाली अगर देखें तो इतना कोई ह्यूज प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा कंट्रीब्यूटरी सा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ऑडिटर भी क्या होगा कंट्रीब्यूटरी पे करेगा फुल लॉस फिर भी बेयर नहीं करेगा बातें करेंगे बीच में इसकी तरफ ऑडिटर लाइबल मीन ये क्लेम कर सकता है अगर तीन कंडीशन मीट हो ड्यूटी ऑफ केयर डिफाइन किया बता दिया क्लियर नहीं है हाँ कपारों में ये कंडीशन मीट नहीं की थी तो ऑडिटर इनोसेंट था एडीटी वर्सिस बिल्डर में ऑडिटर लाइबल था कंडीशन मीट होने की सूरत में नंबर टू नेग्लीजें ब्रीच ऑफ ड्यूटी नेगलिजेंस प्रूव होनी चाहिए विच हैजिन प्रूवड इन पार्ट ए अब तीसरी कंडीशन फाइनेंशियल लॉस अकर्ड क्या ख्याल है और यहाँ पे अगर ऑडिटर ने प्रूव कर दिया कि आपने एक्वायर करना था टू गेन कंपेक्ट एडवांटेज फिर तो ऑडिटर लाइबल ही नहीं है हाँ अगर लाइबल बनता भी है तो कंट्री ब्यूटी है फुल नहीं बनती क्यों ह्यूज इंपैक्ट फिर भी प्रॉफिट पे नहीं बनता यह इसका आंसर दस नंबर के लिए कंपैटिव मीन हो सकता है इसका कोई और ऐसा एक बिजनेस था इसने सोचा मैं ये कंपैटर भी एक्वायर कर लूँ उसे क्या होगा सारी इन्वेंट्री इकट्ठी बाय करूँगा मुझे फ़ायदा मिलेगा कंपटीशन भी ख़त्म हो गया तो फिर प्रॉफिट जितना मर्जी होता फिर तो उसने बाय करना ही करना था कम होता ज़्यादा होता क्यों उसका तो डिसीजन प्रॉफिट की बेस पर फिर है ही नहीं हाँ yes. बेचने वाले ने कहा होगा भाई जितना प्रॉफिट हुआ उसका ट्रिपल मैं लूंगा आपसे क्या कह है फिर तो प्रॉफिट जितना मर्जी होता इसने खरीदना ही खरीदना था तो उस समय ऑडिटर की लाइबिलिटी फिर बनती ही नहीं है इसकी तरफ क्यों डायरेक्ट ब्रीच की वजह से तो लॉस नहीं इसका हुआ ना ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से तो नहीं हुआ ना दिया जा सकता है दस नंबर के आंसर ड्यूटी ऑफ केयर क्लियर नहीं है हाँ हमने दो केस रेफरेंस दे दिए कि कपारों में नहीं थी तो ऑल्टर लाइबल नहीं था हाँ एडिटी वर्सेस बिंडर में ऑर्डर के नॉलेज में आ गया था बिफोर इशूंग ऑल्टर लाइबल था अब यहाँ पे पता नहीं क्या है उसने नॉलेज में दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था इट्स नॉट क्लियर फ्राम दिस केस नर यू क्या क्या ला? तो एक्सप्लेन करने के लिए हमने दे दिया कि इस सूरत में हो सकता है सो चैप्टर फाइव का अगर एक हम राउंड आप लें फर्स्ट पेज पे हमने पढ़ा जी दो तरह की लाइबिलिटी है स्टैट्यूटरी में सिविल क्रिमिनल सेकंड पेज पे कॉमन लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बात आ गई इंगेजमेंट लेटर के अकॉर्डिंगली और इम्प्लाइड कॉन्फिडेंशियलिटी और थर्ड पेज पे लॉ ऑफ टॉट तीन कंडीशंस आ गई और साथ नीचे केसेस आ गए कपारो ऑफ नाइनटीन नाइनटी वर्सेस बिंडर नाइनटीन लॉ सोसाइटी वर्सिस के पी एंड बैनरमैन टू नीचे लिमिटिंग लाइबिलिटी के चार मेथड हमने जो पढ़े थे स्टैचरी कैप प्रोपोर्शनल लाइबिलिटी एलएलपी एंड इंडेमटी इंश्योरेंस जो दो तरह की होती है पीआईआई एंड एफजीआई उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो एक छोटा सा टॉपिक हमें मिलेगा ऑडिटर को क्या करना है अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी अवॉइड करना है क्या मिसकंडक्ट हो सकते हैं पेज के बिल्कुल लास्ट में कुछ चार पांच हमें वर्ड्स मिलेंगे ंग मनी आर गुड्स बाई फॉल्स प्रिटेंसिस क्या कहला धोखा दही के थ्रू मनी जो है वो जनरेट करना मिसकंडक्ट है फॉर ग्री ठीक है अगेन धोखा दही मीन गलत रिपोर्टिंग करना थेफ्ट इन्वेंट्री काउंट अटेंड करने गए देख नहीं रहा कोई आपने इन्वेंट्री जेब में डाल के ले आए मिसकंडक्ट डिसनेस्टी ऑनेस्ट नहीं थे आप या पॉसिबली डिसऑर्डरली बिहेवियर ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन इंटॉक्सिकेशन नशे की हालत में आप ऑडिट पे चले गए और जाके क्लाइंट को गालियां देना शुरू कर दी तो ऐसी हरकत भी किस में आती है मिसकंडक्ट में जो बीग ऑडिटर हमें क्या करने चाहिए? करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे प्रोफेशन के ऊपर डिसक्रेडिट आता है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे प्रोफेशन के ऊपर डिस्क्रेडिट आए उससे नेक्स्ट वेड पे गए तो एक टॉपिक हमें मिला एक्सपेक्टेशन गैप वट इज एक्सपेक्टेशन गैप कहीं पे आपने डिस्कस किया हुआ ऑडिट रिपोर्ट में डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड ऑडिटर्स ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनता ये समझती है कि शायद फाइनेंशियल सर्मिट्स बनाना हमारा काम है तो नहीं किसका काम है मैनेजमेंट का जनता समझती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना हमारा काम है नहीं किसका काम है मैनेजमेंट का जनता समझती है कि अगर हम एश्योरेंस दे रहे हैं तो गारंटी दे रहे हैं नहीं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं जनता समझती है कि हम हंड्रेड परसेंट एक्सी चेक करते हैं नहीं हम सैंपल बेसिस पे चलते हैं और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट अप्रोप्रेट ऑब्टेन करते हैं क्या ख्याल है एक ऑडिटर से रिलेटेड कोई तीन तरह के एक्सपेक्टेशन गैप हैं एक कम्युनिकेशन गैप है एक परफॉर्मेंस गैप है, है, है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप है कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन जनता मीन जनरल पब्लिक और ऑडिटर जो मिसकनसेप्शन है पब्लिक की तो उसको हम क्लियर करते हैं कैसे क्लियर करते हैं बाय इंक्लूडिंग मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज इन एंगेजमेंट लेटर जिससे कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशन गैप कवर हो जाता है क्या ख्याल है ख्याला? दूसरा गैप क्या है परफॉर्मेंस गैप जो ऑडिटर की मिसकंसेप्शन है ऑडिटर समझता है कि भाई मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने की हद तक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा भी कुछ चीजें चेक करनी है नहीं हमने अदर इंफॉर्मेशन इन द एनअल रिपोर्ट को भी रीड रिव्यू करना है क्या ख्याल है कोई इनकंसिस्टेंसी है तो हमने अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के थ्रू हाईलाइट करना है तो ये क्लियर कैसे होगी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने से तीसरा क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप जो गेन ऑडिटर के दिमाग में है कि शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टूवर्ड शेयर होल्डर बनती है नहीं टू ऑल क्लेस क्लोज स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी बनती है अकॉर्डिंग टू बैनर मैन इसलिए अगर आप लाइबिलिटी को लिमिट लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे बाई इंक्लूडिंग अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट तो ये एक्सपेक्टेशन गैप क्या है तीन तरह के एक्सपेक्टेशन गैप ये प्लीज़ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फाइव जो है वो कम्प्लीटली हो गया वाइंड अप होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रोफेशनल ईशूज़ की बातें करेंगे प्रैक्टिस मैनेजमेंट प्रोफेशनल इशूज़ या क्वालिटी कंट्रोल इशूज़ और उनके ऊपर कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर हम एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज के किट में से क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे एथिकल इश्यूज हमने कवर कर लिए थे चैप्टर थ्री में उसके बाद से अभी हम प्रोफेशनल इश्यूज की बातें कर रहे हैं फ्रॉड की बातें कर ली लाइबिलिटी की बातें कर ली आगे कुछ प्रोफेशनल इश्यूज और हैं चैप्टर सिक्स में वो कवर करके फिर हम एथिकल एंड अदर प्रोफेशनल इश्यूज जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से किटिक से सो so, कल मिलते हैं चैप्टर सिक्स के साथ